तो आप लोगों को यार वो वाली वीडियो तो मेरे चैनल पे डेफिनेटली याद होगी, जो कि मैंने आई थिंक एक साल पहले बनाई थी, जो कि थी ऑन इंटेल कोर i9 9900K। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, वो मैंने बनाया था एक काफी खतरनाक लेवल का इंटेल कोर i9 9900K वाला पीसी बिल्ड, जो कि मैंने आपको पता ही है, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, दिखा दूंगा कि मैंने क्या बनाया था। उस पर आई थिंक ओवर 3 लाख व्यूज हो चुके हैं, मुझे नहीं पता, देख लेना आप स्क्रीन पे। आज मैं कुछ उसी टाइप का करने वाला हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया है एक बहुत ही उच्च लेवल का पीसी, जो कि है बेस्ड ऑन इंटेल कोर i9 10900K। जो वो चीज़ जो मेरे चैनल पे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि इंटेल का एक बहुत ही प्यारा से पीसी बना, वो मैं आज करने वाला हूँ। एंड आज का जो बिल्ड होने वाला है ना, ये होने वाला है प्योर, मतलब क्या बोल सकते हो, प्योर ओवरकिल इंटेल कोर i9 10900K पीसी बिल्ड। तो अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हो, जो कि आई डोंट थिंक कि आप बनाओगे, क्योंकि एक बहुत ही इसमें हर एक कंपोनेंट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला है, तो आप इसको फॉलो जरूर कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने क्या क्या पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने क्यों इंक्लूड करी है फॉर द प्राइस। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे वीडियो के एंड में बेंचमार्क भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपने लिए कुछ इसी टाइप का बनाने का सोच रहे हो ना, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आपको गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो मैं आप पे बात करना चाहूंगा आज की वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि है 5000 लाइक्स का लाइक एम। आई होप आप हमेशा की तरह कंप्लीट करवाई दोगे। एंड जैसा कि आप अपने सामने देख ही सकते हो कि ये है वो सारे कंपोनेंट्स जो कि मैंने इस बिल्ड के अंदर यूज करे हैं। अभी मैंने, मुझे पता है कि मैंने बिल्ड ऑलरेडी बना दिया है, बट टेंशन ना लो, आपको वीडियो के अंदर अभी थोड़े टाइम बाद इसका पूरा बिल्ड मोन्टाज देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि मैंने कैसे कैसे इस बिल्ड को बनाया है। अभी ये वाले पार्ट के अंदर बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, मैंने यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करे हैं, क्यों मैंने यहां पे इंक्लूड करे हैं। तो यहां पे जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है इसका प्रोसेसर, जो कि है इंटेल कोर i9 10900K। ये जो पैकेजिंग आप देख रहे हो ना, ये रिव्यूअर्स के लिए होती है, बट टेंशन वाली बात नहीं है, जब आप बाहर से खरीदोगे तो आपको ये वाला बॉक्स नहीं मिलने वाला। यहाँ पे ये जो इंटेल कोर i9 10900K है ना, ये आता है 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स के साथ। यहाँ पे इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की, एंड यहाँ पे इसकी जो सिंगल कोर बूस्ट है वो है 5.3 गीगाहर्ट्ज़ की। करंटली अगर आप इसको परचेस करने जाओगे ना, तो आपको बहुत आराम से 42,000 रुपीज तक का मिल जाएगा। एंड अगेन अगर आप मुझसे पूछो कि 42,000 रुपीज के हिसाब से ये प्रोसेसर कैसा है, तो गाइज प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको 10 कोर्स मिल रही है 42,000 रुपीज के अंदर, मोर ओवर टू बी मोर स्पेसिफिक 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। एंड अगर आप इस पे गेमिंग करोगे, अगर आप इस पे एडिटिंग करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे 10900K को परचेस कर सकते हो, काफी अच्छी डील है करंटली है, जिस प्राइस पे ये सेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है वो है इसका मदरबोर्ड, एंड यहाँ पे मदरबोर्ड के लिए मैंने सेलेक्ट करा है ASUS का Z490 Maximus 12 Extreme। इस वाले बोर्ड के अंदर ना हमको 90 amps के पावर स्टेजेस मिलते हैं, जो कि अगर आप मुझसे पूछो कैसे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये वाला जो प्रोसेसर है ना, इसको ओवरक्लॉक भी करेंगे ना, तो बहुत बहुत अच्छा बोर्ड है ये, मतलब कि कमाल का बोर्ड है सीरियसली। एंड Z490 के अंदर अभी तक का ASUS का ये सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन वाला बोर्ड है, इस पर कुछ नहीं आता है। इसके अंदर आपको एक OLED स्क्रीन भी मिलती है, जिसके अंदर आप स्टैट्स देख सकते हो अपने सिस्टम के। यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इसकी रैम, एंड यहाँ पे रैम के अंदर मैंने इंक्लूड करी है Corsair Dominator Platinum RGB 32GB की मेमोरी किट, एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3200 MHz की। अगर आप मुझसे पूछो कि ये वाली रैम स्टिक्स क्यों इंक्लूड करनी है, तो इसका रीजन ये है, इनके अंदर जो ICs यूज करी गई है ना, वो बहुत ज्यादा फाइन एंड बहुत सुपीरियर क्वालिटी की हैं, तो इस वजह से इस बिल्ड के अंदर Corsair Dominator Platinum अगर नहीं लगती ना, तो सच में इस बिल्ड के लिए एक तरीके से काफी शर्म की बात होती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है इसका लिक्विड कूलर, जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है NVMe का LiquiMax 3 ARGB लिक्विड कूलर, एंड ये काफी सही लिक्विड कूलर है। ये बहुत अच्छा दिखने के सेंस में भी आपको पूरा ARGB मिलता है, एंड ये कूलिंग के टर्म्स में भी हमारे इंटेल और i9 10900K को ना काफी ज्यादा कूल रखने के हिसाब से बहुत अच्छा AIO है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इसकी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है Corsair की RM850X, जो कि हमारे इस बिल्ड को पावर करने के लिए या फिर वोल्टेज के हिसाब से काफी इनफ रहने वाली है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इसका ग्राफिक कार्ड, एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने सेलेक्ट करा है ASUS RTX 3090 Tough Edition, एंड ये गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी दोनों के टर्म्स में
काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमको देने वाला है, एंड क्योंकि 3090 के ऊपर अभी कुछ नहीं आता कंज्यूमर लेवल पे, तो इस वजह से ये इंक्लूड करना बहुत अच्छा था इस बिल्ड के अंदर। एंड यहाँ पे जो मैंने केबल्स यूज करी है वो मैंने यूज करी है सेंसर मॉड्स की, जैसे कि आप देख ही सकते हो, आपको वीडियो के अंदर भी दिखी होंगी कि ये कितनी ब्यूटीफुल केबल्स है जो की है फ्रॉम सेंसर मॉड्स। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है इसकी कैबिनेट, एंड यहाँ पे कैबिनेट के लिए मैंने इंक्लूड करी है कॉर्सेयर IQ 4000X RGB। ये वाली जो कैबिनेट है ना, ये लिटरली हर एक एरिया में बहुत अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो, इन टर्म्स ऑफ RGB, इसके अंदर आपको सब देखने को मिलेगा। एंड कॉर्सेयर की तरफ से तो क्वालिटी इज सुपर्ब, लिटरली सुपर्ब। एयर फ्लो के टर्म्स में मैं आपको बता दूं कि फ्रंट में आप जरूर आपको ग्लास देखने को मिलता है, बट स्टिल यहाँ पे अच्छी खासी क्लियरेंस दे रखी है फॉर दी एयर फ्लो। तो ये कैबिनेट इंक्लूड करना मस्ट था इस वाले इंटेल कोर i9 10K वाले पीसी बिल्ड के अंदर। एंड अगर बात करें यहाँ पे स्टोरेज की, तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए मैंने इंक्लूड करा है 970 EVO सैमसंग की तरफ से, जो कि मैंने यहाँ पे यूज करी है 1TB की Gen3 बेस्ड NVMe ड्राइव, जो कि काफी अच्छी रहने वाली है इस बिल्ड के लिए। एंड फॉर मास स्टोरेज मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है Seagate का 2TB वाला फायर क्यूडा, जो कि काफी अच्छा रहने वाला है इस पूरे बिल्ड के लिए। तो ये है पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स। एंड अब हम चलते हैं इसके बिल्ड मॉन्टाज की तरफ, एंड आप देखो कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है एंड ये कितना ब्यूटीफुल लगता है सीरियसली, एंड बेंचमार्क्स भी इसी वीडियो के अंदर होने वाले हैं। तो चलते हैं इसके बिल्ड मॉन्टाज की तरफ। अब सबसे पहले मैं आपको इस वाले पीसी बिल्ड के बेंचमार्क्स के बारे में बताता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने बेंचमार्क्स वाले पार्ट को ना 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जहाँ पे पहला पार्ट है वो है गेमिंग बेंचमार्क्स, जहाँ पे दूसरा पार्ट है वो है एडिटिंग बेंचमार्क्स, एंड यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है वो है सिंथेटिक बेंचमार्क्स। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके गेमिंग बेंचमार्क्स के बारे में। एक चीज जो मैं सबसे पहले बता दूँ वो है कि सारे गेम्स को यहाँ पे टेस्ट करा गया है ऑन 4K रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली ये तो बात मतलब कि सोच समझने वाली भी नहीं है कि जब आप i9 10K जैसा प्रोसेसर लगा रहे हो एंड RTX 3090 लगा रहे हो तो ये वाला पीसी डेफिनेटली 4K केपेबल है। तो इस वजह से मैंने सारे गेम्स को टेस्ट करा है ऑन 4K रेजोल्यूशन। एंड अगर मैं बात करूँ AAA टाइटल्स की, तो मैंने उनमें से काफी सारे AAA टाइटल्स अभी रिलीज्ड, मतलब कि काफी न्यूली रिलीज टाइटल्स है, तो पुराने गेम्स मैंने यहाँ पे टेस्ट नहीं करे हैं। जितने भी लेटेस्ट AAA टाइटल्स है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की ट्राई करी है। यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है वॉच डॉग्स लीजन, एंड वॉच डॉग्स लीजन को मैंने चलाया है हाई प्रीसेट सेटिंग पे। एंड इस वाले गेम के अंदर हमको जो एवरेज FPS मिलते हैं वो है 73 FPS, यहाँ पे जो 1% लोज है वो है 59 FPS, एंड यहाँ पे जो 0.1% लोज है वो है 41 FPS। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ 4K पे गेमिंग करने की, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस था, ऊपर से हाई सेटिंग्स कर रखी हैं तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे FPS हमको मिल रहे हैं, एंड बहुत स्मूथ गेम प्ले था मेरा ओवरऑल। जहाँ पे सेकंड गेम है वो है डूम इटर्नल, एंड इस वाले गेम को मैंने चलाया है नाइटमेयर प्रीसेट पे। इस वाले गेम के अंदर भी हमको 146 FPS
के एवरेज मिले एंड पूरे टाइम एक बार भी मुझको यहाँ पे कोई भी हिकअप देखने को नहीं मिला, कोई भी यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ था। कंसिस्टेंटली यहाँ पे अच्छे खासे फ्रेम्स थ्रो कर रहा था ग्राफिक कार्ड एंड मजा आ गया खेल के बिल्कुल। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है साइबरपंक 2077 एंड इस वाले गेम को मैंने चलाया है अल्ट्रा प्रीसेट सेटिंग पे एंड यहाँ पे हमको जो एवरेज FPS मिलते हैं वो है 42 FPS के एवरेज। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वाली गेम थोड़ी अभी अनऑप्टिमाइज सी है तो इस वजह से थोड़े फ्रेम्स यहाँ पे हमको कम देखने को मिलते हैं, बट डोंट वरी इस वाले PC के साथ भी हमको जिसके अंदर इंटेल कोर i9 लगा हुआ है हमको काफी अच्छे खासे FPS देखने को मिले एंड स्मूथ काइंड ऑफ स्मूथ एक्सपीरियंस था। ठीक है, जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है Red Dead Redemption 2 एंड इसको मैंने चलाया है हाई सेटिंग्स पे एंड RDR2 के अंदर हमको यहाँ पे जो एवरेज FPS देखने को मिलते हैं वो है 82 FPS के एवरेज। इसका गेम प्ले बहुत ही स्मूथ था, लिटरली मजा आ गया खेल के। जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है Shadow of the Tomb Raider जिसको मैंने चलाया है हाईएस्ट सेटिंग प्रीसेट पे एंड Shadow of the Tomb Raider के अंदर हमको यहाँ पे मिलता है 77 FPS का एवरेज। जो यहाँ पे 1% लोज है वो है 65 FPS के एंड यहाँ पे जो 0.1% लोज है वो है 58 FPS के। बात करें यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस की तो इंटेल कोर i9 10900K के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ था, बिल्कुल मज़ा आ गया हमको। काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन, मतलब कि जो 4K रेजोल्यूशन सेलेक्ट करा गया उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला एंड काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिले। तो ये तो थे इसके सारे गेमिंग बेंचमार्क्स। अब चलते हैं इसके एडिटिंग बेंचमार्क्स की तरफ एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सी फाइल रेंडर करी है एंड ये कितने टाइम में हमको इसने रेंडर करके दिया। यहाँ पे मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करा है वो है Adobe Premiere Pro एंड इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने यहाँ पे जो फुटेज इंपोर्ट करी थी वो थी Blackmagic 4K की B-RAW फुटेज जो कि 1 मिनट की फुटेज थी 60 FPS वाली एंड ये 4K फुटेज है। ठीक है, एंड Blackmagic RAW वाली फुटेज है तो आप समझ लो कि कितनी हैवी होगी ये वाली जो फाइल है। तो इसको मैंने यहाँ पे ये 1 मिनट की फाइल थी एंड इसको रेंडर करने में 4K वीडियो मैंने रेंडरिंग करी है, इसको टाइम लगा 1 मिनट एंड 50 सेकंड्स जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपनी एडिटिंग बेंचमार्क्स की तो यहाँ पे जो 4K फाइल थी जो कि Blackmagic RAW 4K फाइल थी इसको रेंडर करने में इंटेल कोर i9 ने काफी कम टाइम लिया, यानी काफी अच्छे से पूरा फाइल को रेंडर करा वो भी काफी कम टाइम में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है वो है सिंथेटिक बेंचमार्क्स। जो सबसे पहले है वो है 3D Mark। 3D Mark के अंदर भी मैंने यहाँ पे यूज़ करा है टाइम्स पाई एक्सट्रीम एंड यहाँ पे जो हमको CPU स्कोर देखने को मिलता है वो है 6649। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पाओगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है PC Mark 10 एंड इसके अंदर जो यहाँ पे हमको स्कोर देखने को मिलता है वो है 6688 का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बेंचमार्क है वो है फाइनल फैंटेसी बेंचमार्क एंड यहाँ पे जो मैंने सेटिंग्स यूज़ करी है वो है हाई क्वालिटी। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन सेलेक्ट करी गई है वो है 4K रेजोल्यूशन एंड अब इसको हम जरा स्टार्ट करते हैं देखते कि यहाँ पे हमको ओवरऑल स्कोर कितना मिलता है। तो यहाँ पे हमको जो स्कोर मिलता है ऑन 4K रेजोल्यूशन विद हाई सेटिंग्स वो है 7210 का स्कोर जो कि आप अपनी स्क्रीनों पर देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल सिंथेटिक बेंचमार्क्स की तो इंटेल कोर i9 के साथ काफी अच्छे हमको यहाँ पे स्कोर्स देखने को मिले हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया कि हमको यहाँ पे जो मैंने PC मार्क चलाया, जो यहाँ पे मैंने 3D मार्क चलाया एंड इवन फाइनल फैंटेसी बेंचमार्क, यहाँ पे हमको काफी अच्छे एंड बहुत अच्छे स्कोर्स देखने को मिले। तो ये है सारे इसके बेंचमार्क्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप की आपको परफॉर्मेंस मिलती है। अगर मैं बात करूं गेमिंग की एडिटिंग की तो उन सारे टर्म्स में ये PC लिटरली काफी अच्छा परफॉर्म हमको करके दिया एंड प्राइस भी अगर आपको बताऊं तो काफी अच्छी इसकी ओवरऑल प्राइस है जो कि आपको मैं कमेंट स्पिन करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये है इसके बेंचमार्क्स। अब मैं बताता हूं यहां पे इसके कंक्लूजन के बारे में। तो ये वाला जो PC है ये मैंने यहां पे बनाया है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा बिकॉज यहां पे मैंने सारी की सारी चीजें, अगर मैं एक इंटेल PC बना रहा हूं तो मैंने इंटेल PC के हिसाब से सारी की सारी चीजें बिल्कुल ओवरकिल ली हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगी वाली चीजें मैंने इंक्लूड करी हैं एंड मैं चाहता था कि मैं एक टॉप ऑफ द लाइनअप इंटेल कोर i9 10900K वाला PC बनाऊं क्योंकि मैंने 9900K के साथ बनाया था तो ऑब्वियसली 10900K के साथ भी बनाना बनता ही है। तो इस वजह से मैंने वाला PC बिल्ड बनाया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट खरीदना है तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।